किया मोटर्स अपनी सेल्टोस के फेसलिफ्ट को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाले हो, और हमने ऑलरेडी कुछ दिन पहले हमारे चैनल के ऊपर वो सारे वीडियोस डाले थे जहाँ पे हमने आपको रीजंस बताए थे जिनके चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली सेल्टोस के लिए, और उसमें से इन्हीं लोगों ने रिलेट किया था उस वीडियो से जिन लोगों को जो लोग प्लानिंग कर रहे थे नई सेल्टोस के लिए या फिर सेल्टोस के लिए रुकने के लिए हमें बोल रहे थे, ऐसे लोग जो थे उन्होंने ज़्यादा रिलेट किया था उस वीडियो के ऊपर, क्योंकि वो लोग जेन्युइन बायर्स थे सेल्टोस के, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी था वीडियो से। लेकिन उन्हीं लोगों ने ये बोला कि हमें ऐसा लग रहा है कि गाड़ी को दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि गाड़ी को 2023 के एंड में लॉन्च किया जाएगा, तो ये सारे मिक्स रिव्यूज़ आते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। अभी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मार्केट के अंदर चल रही है वो लॉन्च डेट हम आपको इस वीडियो के एंड होने तक बताने वाले, तो वीडियो के एंड होते होते आपको लॉन्च डेट और प्राइसिंग सब के बारे में पता चल जाएगा, प्लस गाड़ी के अंदर एक्सटीरियर और इंटीरियर के अंदर कौन से बदलाव आने वाले, मतलब कि फेसलिफ्ट के साथ में आपको कौन से चेंजेस के साथ में गाड़ी मिलने वाली है, वो सारी चीज़ों की हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। प्लस आप में से जो भी लोग ऐसे हैं जो कि सेल्टोस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर उन लोगों को ऐसा है कि कन्फ्यूजन है अभी वाली ले या फिर वेट करें, तो उन लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप कर लेना, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक्सटीरियर से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि सेल्टोस के फेसलिफ्ट के अंदर आपको एक्सटीरियर के अंदर कौन सी चेंजेस ज़्यादा कौन से चेंजेस देखने को मिलने वाले, तो सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत करेंगे। जो DRL आती है अभी वो आपको फ्रंट में अपलिफ्ट देखने को मिलती है, लेकिन जो फेसलिफ्ट आएगी वहाँ पे आपको नीचे से DRL रन करती हुई देखने को मिलेगी, जो कि हेडलैम्प्स के नीचे से DRL रन करती हुई देखने को मिलेगी। अगर आपने ऑलरेडी फुटेज देखे हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे तो वीडियो में आपको आगे चल के हमने वो सारे फ़ोटोज़ अटैच किए हुए हैं, तो वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे अलावा बात करें तो नीचे आपको फ्रंट बम्पर पूरा चेंज देखने को मिलेगा, रेडिएटर ग्रिल वगैरह पूरा चेंज देखने को मिलने वाला है, तो इस वजह से आपको फॉग लैंप्स का डिज़ाइन वगैरह सब कुछ आपको नया देखने को मिलने वाला है। साइड से बात करें तो डायमेंशन वगैरह सेम ही रहने वाले हैं, एक्सेप्ट द वन थिंग वो होगा कि अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन आपको नई देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अलॉय व्हील्स के टायर साइज तो वही सेम रहने वाली है, लेकिन अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि फेसलिफ्ट आ रहा है, कोई ऐसे ही कुछ अपडेट वगैरह तो दे नहीं रहे, तो फेसलिफ्ट में अलॉय व्हील की डिज़ाइन हमेशा हर एक गाड़ी की चेंज होती ही है। अब रियर से बात करें तो रियर के अंदर आपको रियर टेल लैंप्स के अंदर ट्विक्स देखने को मिलने वाले, और रियर टेल लैंप्स के अंदर ज़्यादातर ट्विक्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले, लेकिन जो कनेक्टिंग टेल लैंप्स है वो आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि हमने देखा था क्रेटा के अंदर अभी वाली जो क्रेटा आ रही है वहाँ पे आपको कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिल रही है, लेकिन जो नई क्रेटा आएगी उसमें आपको कनेक्टिंग टेल लैंप्स हटा दिए गए, लेकिन सेल्टोस के साथ में उल्टा होने वाला है। अभी जो सेल्टोस है वहाँ पे आपको सेपरेट टेल लैंप्स मिल रहे हैं, लेकिन जो नई सेल्टोस फेसलिफ्ट आ रही है वहाँ पे आपको कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिलने वाले हैं, तो बेसिकली दोनों टेल लैंप्स जो होगी पीछे वाली वो कनेक्ट कर रही होगी एक दूसरे को, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। अगर आपने फिर से फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं देखा तो आगे चल के आपको वो सारे वीडियोज़ के अंदर वो सारे फोटोग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज़ रियर की बात करें तो रियर बम्पर भी चेंज हो जाने वाला है, हो सकता है रियर बम्पर के ऊपर ज़्यादा कुछ सिल्वर कलर की स्कीड प्लेट ट्रीटमेंट वगैरह कर दिया जाए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको आगे से भी पता चल जाएगी, सिग्निफाई करेगी गाड़ी के नए लुक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो सारी चीज़ें एक्सटीरियर के बारे में होने वाली है। अब बात करेंगे हम इंटीरियर के बारे में कि गाड़ी के इंटीरियर के अंदर कौन से बदलाव आने वाले। सबसे पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा वो होगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो वो आपको फुल्ली डिजिटल मिलने वाला है। अगर आपने स्पोर्टेड देखी होगी जो अब्रॉड के मार्केट के अंदर ग्लोबली किया मोटर्स सेल करती है, वो स्पोर्टेड के अंदर जो 2022 के अपडेट के अंदर उन लोगों ने जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है स्पोर्टेड के अंदर डिजिटल वाला, वही सेम यूनिट आपको सेल्टोस के अंदर फेसलिफ्ट के साथ में इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाले। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो इंटरनेट के ऊपर वो उसके सारे कई सारे फोटोग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज बात करें स्टेयरिंग व्हील की डिज़ाइन वगैरह की, तो वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, हालांकि उसके ऊपर कोई फिक्स ऐसे बोल नहीं सकते कि होगी। जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पक्का होने वाली है वैसे आप स्टेयरिंग व्हील की डिज़ाइन के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन 90% चांस है कि स्टेयरिंग व्हील की डिज़ाइन को चेंज कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके अंदर UI और थीम वगैरह थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर कर दिया जाएगा फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, और फ्लूइडिटी उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर लैगिंग वगैरह के बारे में कोई भी सवाल कोई कर नहीं सकता। उसके अलावा वायरलेस चार्जर, 64 प्लस कलर्स, एम्बियंट लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ, एयर प्योरीफायर आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा इंफोटेनमेंट के अंदर, पीछे की सीट पे तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट,
उसके अलावा टाइप सी के कई सारे पोर्ट्स आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, उसके अलावा रियर एसी वेंट्स प्रॉपर आर्मरेस्ट आपको फ्रंट एंड रियर दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलेगी, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट ड्राइवर सीट, हो सकता है एडास वाले कुछ वेरियंट्स के अंदर वो लोग दोनों फ्रंट की सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कर दे क्योंकि गाड़ी के अंदर एडास भी आने वाले। ये सारी चीज़ें इंटीरियर के बारे में। अब बात करेंगे हम आगे चल के इंजन ऑप्शंस और गियरबॉक्स ऑप्शंस के बारे में, इंजन और गियरबॉक्स में आपको क्या कुछ मिलने वाले। तो ये सेटअप के अंदर आपको वही सारी चीज़ें सेम ही मिलने वाली है, एक चेंज होने वाला है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन 1.5 डीजल, 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.4 टर्बो पेट्रोल आपको देखने को मिलने वाले विद दी 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर, 7 स्पीड का DCT आपको टर्बो में मिलेगा और आपको 6 स्पीड का IMT मैनुअल, जो भी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन जो भी है वो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ में अब फाइनली देखने को मिलने वाला है। पहले आपको सिर्फ डीजल वगैरह में मिलता था, लेकिन अभी जो नई वाली फेसलिफ्ट आएगी उसके साथ में आपको दोनों ही पावर ट्रेन ऑप्शंस के साथ में उसको अवेलेबल करवाया जाएगा। हालांकि टर्बो पेट्रोल के अंदर ऐसा कोई आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, हो सकता है सेल्टोस का भी कोई एक्स लाइन जो वेरियंट होगा वहाँ पर थोड़े बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए जाए, लेकिन ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन उसकी भी नहीं है क्योंकि एक्स लाइन के अंदर भी सिर्फ टर्बो पेट्रोल दिया जाएगा और उसके साथ में IMT और 7 स्पीड का DCT उसको चैनल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। अदरवाइज़ गाड़ी के अंदर आपको एडास वगैरह लेवल 2 का देखने को मिलने वाला है, तो फीचर्स एक बार फिर से कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए बनाए जाएंगे, ऐसे फीचर्स आपको फिर से सेल्टोस और क्रेटा के दोनों के ही अंदर मिलने वाले और दोनों गाड़ियों को अपडेट मिल जाना मिलेगा ही मिलेगा दोनों को मार्च 2023 से पहले। लेकिन अभी हम आगे चल के प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। प्राइसिंग इसकी हो सकती है 11-21 लाख एक्स शोरूम। अब हो सकता है ऑन रोड प्राइस 23 लाख चली जाए जो कि एडास वाले वेरिएंट की होगी ऑफकोर्स, लेकिन एडास की होने की वजह से वो वाले वेरिएंट की शायद 23 लाख ऑन रोड जा सकती है। तो ये सारी लिमिटेशन या फिर बाउंड्री लाइन को आप मान के चल सकते हो कि 11-23 लाख ऑन रोड आप मान के चल सकते हो गाड़ी को। अब बात करेंगे लॉन्च डेट की, जिसके लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। तो पुरानी वाली लॉन्च डेट तो आपने काफ़ी देखी होगी, जो नई लॉन्च डेट है वो फरवरी 2023 को इसका अनवीलिंग हो सकता है। अब आप में से अगर किसी को पक्का पता है कि इस डेट के अंदर गाड़ी को एक्सपेक्ट कर रहा है कि लॉन्च होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज़ यही डेट जो है अभी मार्केट के अंदर चल रही है, अभी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग यही सारी डेट जो है वो अभी मार्केट के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।